सोयाबीन की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सोयाबीन कीमतों में गिरावट के कारणों पर अगर नजर डालें तो काफी सारे कारण सामने आते हैं। वहीं अब सोयाबीन के इस गिरावट के दौर के बीच हर व्यापारी और किसानों के बस यही सवाल है कि सोयाबीन में आगे तेजी आएगी या नहीं, सोयाबीन का भाव बढ़ेगा या नहीं, आगे सोयाबीन का भविष्य कैसा रहेगा। आपको बता दें कि सोयाबीन खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। सोयाबीन की नई फसल आने के बाद सोयाबीन के भाव को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और अलग अलग स्थानों पर सोयाबीन की कीमतें अलग अलग देखने को मिल रही हैं। सोयाबीन की नई फसल आने से कीमतों पर दबाव बनता हुआ नजर आया है और सरकार जो सोयाबीन का आयात कर रही है उससे भी सोयाबीन की कीमतों पर असर पड़ा है। किसानों को सोयाबीन के दाम पहले 10,000 के करीब मिल रहे थे। सोयाबीन का आयात होते ही और नई आवक आते ही कीमतें धड़ाम हो गई और रही सही कसर इस दोबारा हुई बारिश ने पूरी कर दी। इस बार मानसून की बारिश ने सोयाबीन की फसलों पर मानो कहर ढाया हो। इस बार सोयाबीन की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है जिससे किसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। बुआई के समय सोयाबीन के बीजों की किल्लत थी जिससे किसान बुआई नहीं कर पाए और उस समय इसका भाव 10,000 के भी पार था और मार्केट एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि इस बार सोयाबीन के बीजों की किल्लत के चलते सोयाबीन का उत्पादन कम रहेगा और सोयाबीन में लगातार तेजी होने लगी। सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी होने से उस समय पोल्ट्री उद्योग को लागत निकालनी मुश्किल हो रही थी क्योंकि सोयाबीन का इस्तेमाल पोल्ट्री इंडस्ट्री में पशु चारे के रूप में भी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 12 लाख टन सोया मील यानी कि सोया खली आयात करने का फैसला किया था। सरकार ने यह फैसला तब लिया था जब किसान की नई सोयाबीन की फसल मंडियों में आने में कुछ ही समय बाकी था। किसानों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सरकार को यह फैसला तब लेना चाहिए था जब किसान महंगा सोयाबीन बीज खरीदकर इसकी बुआई कर रहा था। किसानों का ऐसा कहना है कि सरकार ने तब किसानों के हित में सोयाबीन की पूर्ति करने का फैसला ना करके पोल्ट्री इंडस्ट्री के हित में फैसला लेकर उनके साथ नाइंसाफी की है। अब मंडियों में किसानों को सोयाबीन के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। नौबत ये है कि किसानों को सोयाबीन मजबूरी में MSP से भी नीचे बेचनी पड़ रही है। सोयाबीन की MSP सरकार ने 3,950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की हुई है जबकि किसानों को सोयाबीन के दाम वर्तमान में मंडियों में 2,400 रुपये तक नीचे में मिल रहे हैं और कहीं कहीं इससे भी कम देखने को मिल रहे हैं। और अब रही सही कसर इस बारिश ने पूरी कर दी है। बारिश से सोयाबीन की फसल अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर खराब होती हुई नजर आई है। इसी बीच सोयाबीन पर सोबा के उत्पादन के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। इंदौर स्थित सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सोपा ने जारी अपने अनुमान में कहा है कि वर्ष 2021 में सोयाबीन का कुल रकबा 119.984 लाख हेक्टेयर है। वहीं सरकार का क्षेत्रफल अनुमान 123.677 लाख हेक्टेयर है। पिछले साल खरीफ सीजन में सोयाबीन का कुल रकबा 118.383 लाख हेक्टेयर था। सोपा ने कहा है कि वर्ष 2021 में पूरे भारत में सोयाबीन की फसल का अनुमानित कुल उत्पादन 118.889 लाख टन है जो पिछले साल की तुलना में 14.337 लाख टन यानी कि 13.71% अधिक है। सोपा के जारी सोयाबीन के उत्पादन के आंकड़ों पर किसानों का कहना है कि भले ही सोयाबीन का रकबा बढ़ने के आंकड़े दिए जा रहे हैं लेकिन वास्तविकता में सोयाबीन का रकबा इतना नहीं हो सकता क्योंकि जब सोयाबीन की बुआई का समय था तब सोयाबीन का बीज उपलब्ध ही नहीं था, ना ही किसानों के पास और ना ही सरकार के पास। सरकार ने सोयाबीन के बीज का आयात तक नहीं किया था तो बुआई का रकबा भला कैसे बढ़ सकता है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ बुआई के रकबे के आंकड़ों और उससे होने वाले उत्पादन के आधार पर सोयाबीन का उत्पादन कितना रहेगा तय नहीं किया जा सकता क्योंकि खपत और कितनी फसल खराब मौसम के चलते बर्बाद हुई है इनके आंकड़े भी जरूरी हैं और इसी से मंदी तेजी का भी पता लगाया जा सकता है। और वैसे भी इस बार सोयाबीन की जो फसल है भारी बारिश के चलते बड़े पैमाने पर खराब हुई है जिससे इसके उत्पादन में कमी आएगी ही आएगी। किसानों का कहना है कि सर्दियों में सोयाबीन के दामों में तेजी आएगी क्योंकि फसल काफ़ी खराब हुई है और किसान कम दाम पर अपनी फसल बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। वहीं कुछ जगहों पर तो किसानों ने एक संगठन भी बनाया है और ये फैसला किया है
कि वे अपनी सोयाबीन की फसल कम दाम पर बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। जब तक उन्हें दाम कम से कम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिलता, तब तक अपनी सोयाबीन की फसल नहीं बेचेंगे। उनका कहना है कि ज्यादा उत्पादन के आंकड़े दिखाकर किसानों के साथ साजिश की जा रही है, जिससे किसान अपनी सोयाबीन की फसल बेच दें और सारा स्टॉक व्यापारियों के पास पहुंच जाए और किसान खाली हो जाए। वैसे अगर देखा जाए तो सोयाबीन के दाम बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि फसलें काफी खराब हुई हैं। अब किसानों को उनकी बची हुई सोयाबीन की फसल की अच्छी कीमत के साथ साथ बारिश से खराब हुई फसलों की लागत भी निकालनी है। वहीं ग्लोबल सोयाबीन प्रोडक्शन बढ़ने का अनुमान है कि सोयाबीन सहित पाम सनफ्लावर उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है और ग्लोबल सोयाबीन उत्पादन बढ़कर 740 लाख टन पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।